भगवान ने इन्हें सब सुख दिया है, परंतु संतान के सुख से वंचित कर दिया है। भरूच की महारानी राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, ना अपने पति को संतान। हमारी गायत्री बहन कभी मां नहीं बन सकती पंडित जी। आज्ञा दीजिए पंडित जी। श्री राजकुमारी शोभा हमें इतना स्नेह देती है, इतना कि कभी हमारे मन में विचार नहीं आया कि हम निसंतान हैं, और हम भी उस पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, नियति ने जो लिखा है वो तो अमिट है, और यदि यदि हमें ऐसे ही जीवन जीना है तो हम जी लेंगे। गायत्री बहन, आपका हृदय बहुत विशाल है, परंतु ये संसार बहुत निर्दयी है। जिन स्त्रियों की संतान नहीं होती, ये समाज उन्हें शापित जीवन जीने पर विवश कर देता है, और जिनकी संतान होती है ना, उनका अहंकार बढ़ जाता है। देखा नहीं आपने सम्राज्ञी विजयलक्ष्मी को, कैसे उन्होंने अपनी ममता की आड़ लेकर हमारे देवर्षि से इतना बड़ा वचन ले लिया, और हम यहां क्या कर पाए। बड़ी चतुराई से उन्होंने देवर्षि को स्वराज के भविष्य का वास्ता देकर केवल अपने पुत्र को प्रशिक्षण देने का वचन ले लिया। यदि देवर्षि की अपनी कोई संतान होती, क्या ये वचन वो देते? और आप शोभा को कितनी भी अपनी संतान माने, परंतु ये संसार तो नहीं मानेगा ना। पूरे भरूच की प्रजा के कान भर दो, ये बात उनके मन में अच्छी तरह बैठ जाए कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। महाराज दद्दा चालुक्य के बाद गजनवी जैसे नृशंस लुटेरे से उन्हें कौन बचाएगा? यदि निसंतान महारानी गायत्री देवी राज्य को एक उत्तराधिकारी भी नहीं दे सकती, तो उन्हें महारानी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। प्रजा इतनी मुखर हो जाए कि वो दद्दा चालुक्य पर दबाव डालना आरंभ कर दे कि उन्हें भरूच का भावी महाराज चाहिए। और हां, ये काम दद्दा चालुक्य के देवपट्टन लौटने से पहले हो जाना चाहिए, ताकि भरूच पहुंचते ही प्रजा उन्हें घेर ले और महारानी गायत्री को भरूच पहुंचते ही ये बात तीर की तरह चुभनी चाहिए कि वो एक पांच। ऐसा ही होगा महाराज। जरा सोचिए गायत्री बहन, भरूच की प्रजा आज चुप है, परंतु जब वो अपना भावी महाराज को मांगेगी तो देवर्षि के पास क्या उत्तर होगा? आप इस सच से कब तक मुंह छुपाकर जीती रहेंगी? क्षमा कीजिएगा गायत्री बहन, परंतु एक स्त्री पतित का घृणित आरोप लेकर तो जी सकती है, परंतु पांच का कलंक, हे भगवान, ये कलंक तो मरने के बाद भी नहीं धुलता। बस कीजिए भाभी श्री, बस कीजिए। हम पहले से ही दुखी हैं और आप हमें और। आइए चलिए, भरूच पहुंचने में देर हो जाएगी और सारी स्त्रियां गणेश आरती के लिए हमारी प्रतीक्षा करेंगी। आप आगे जाइए, मैं राजकुमारी शोभा और राजकुमार भीमदेव को लेकर आती हूं।
क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में संतानहीन स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो सकती। देख रहे हो ये जख्म, ऐसे ऐसे बहुत से जख्म खाए हैं हमने, लेकिन ये जख्म हमारा खून खौला देते हैं। तुम जैसे निकम्मों को अपने लश्कर में रखकर अपने लश्कर की तोहीन की है हमने। हुजूर सुल्तान, हम लोगों ने या अल्लाह रहम, अब देखिए सुल्तान का गुस्सा क्या कहट आता है। पूरे महल में लाशें पे जाएंगी, तभी सुल्तान का गुस्सा। अब तो बस एक ही हस्ती है जो सुल्तान के गुस्से को ठंडा कर सकती है। कौन है सा बाबा? कौसर। कौसर, 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 रुको, कौसर, मैं कहता हूं रुक जाओ, कौसर, कौसर, रुको, कौसर, इतनी जुर्रत कि हमने पुकारा लेकिन तुमने रुकना मुनासिब नहीं समझा। शायद तुम भूल रही हो कि इस गुस्ताखी के लिए रजनी का सुल्तान ऐसे वक्त तुम्हारा सर कलम कर सकता है। अल्लाह, खुदा के लिए हमारा हाथ छोड़िए, टूट जाएगा। आप सिर्फ सर कलम करना ही तो जानते हैं। क्या और क्या? आपने नहीं देखा पूरी गजनी अपने शिकस्त खाए हुए सुल्तान का तलवार के खौफ से इस्तकबाल कर रही थी। आपने तो हमसे वादा किया था ना कि हमें सोने का महल तोहफे में देंगे। महल तो दूर,
एक रत्ती सोना भी हासिल नहीं हुआ। हम तुम्हारे सर की कसम खाकर कहते हैं कौसर, गजनवी अपने इस शर्मनाक हार का खौफनाक इंतकाम लेगा। सोमनाथ के हीरे जवाहरात ही नहीं, हिंदुस्तान की सरजमी से उसका सुकून भी छीन लेगा। ऐसी दहशत फैलाऊंगा कि हर हिंदुस्तानी अपनी मौत की भीख मांगेगा। पूरे हिंदुस्तान में तबाही का अंधेरा फैला दूंगा, अंधेरा। आप वचन दीजिए कि कुमार भीमदेव के अतिरिक्त आप किसी और को प्रशिक्षण नहीं देंगे। या उपस्थित सभी लोगों को साक्षी मानकर हमें वचन देते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई एकलव्य नहीं आएगा, राजकुमार भीमदेव को छोड़कर हम किसी भी नर नारी बाल बालिका को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेंगे। राजकुमारी, ये जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। नहीं राजकुमार, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। क्या ठीक हो रहा है राजकुमारी? पहले तो आप हमसे जानबूझकर प्रतियोगिता में पराजित हो गई और माताश्री ने काकाश्री से वचन भी ले लिया कि वो हमारे अलावा किसी को भी युद्ध कला नहीं सिखाएंगे, जबकि सत्य तो ये है काकाशी से प्रशिक्षण पाने का पहला अधिकार तो आपका है, आप हमसे अधिक प्रतिभाशाली हैं। नहीं राजकुमार, आप हैं, और यदि हम सीख भी लें तो उससे पूरे सौराष्ट्र को क्या लाभ? आप कहना क्या चाह रही हैं? राजकुमार, हम ये कहना चाह रहे हैं कि काकाश्री से प्रशिक्षण पाने के बाद आप देवपट्टनम के सम्राट बन जाएंगे और अपनी प्रजा की रक्षा का दायित्व निभाएंगे। पर हमें तो ऐसा दायित्व निभाने का अवसर मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? ये कैसा नियम है? आपने तो बताया था चालुक्य स्त्रियों ने अपना राजपाट संभाला था, क्या आप भरूच की नरेश नहीं बन सकती? नहीं राजकुमार, ऐसा संभव नहीं है और ना ही हमारी कोई ऐसी इच्छा है। आपसे बातों में जीतना असंभव है। प्रतियोगिता की सच्चाई तो आपने छुपा ली, परंतु नहीं राजकुमार, प्रतियोगिता का इससे कोई संबंध नहीं। हमें वही करना चाहिए जो राजहित में उचित है। संभवतः आप भूल रहे हैं कि काकाशीर प्रतिज्ञा ले चुके हैं, इसलिए पूरी निष्ठा से हमारे काकाशीर से शिक्षण लेना आरंभ कर दीजिए। राजकुमार, एक लव्य कौन था? हमें नहीं पता और हमें उसकी चिंता भी नहीं, परंतु आपको हमें एक वचन देना होगा, जो हम काकाशी से सीखेंगे उसे आपको सीखना होगा, अन्यथा हम भी नहीं सीखेंगे। ठीक है राजकुमार, हम आपको वचन देते हैं। क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में संतानहीन स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो सकती। जो हम काकाशी से सीखेंगे उसे आपको सीखना होगा, अन्यथा हम भी नहीं सीखेंगे। ठीक है राजकुमार, हम आपको वचन देते हैं। हे
सहायता कर रहा है। जय गणेश प्रभु, जय गणेश। भरूच की महारानी राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, ना अपने पति को संतान। हमारी गायत्री बहन कभी माँ नहीं बन सकती पंडित जी, और आप शोभा को कितनी भी अपनी संतान माने, परंतु ये संसार तो नहीं मानेगा। रानी बा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? हमने आपसे कहा था कि हम समय रहते अपने राज्य पहुंच जाएंगे। अब आप गणपति भगवान की संध्याकालीन आरती में सम्मिलित हो सकती हैं। जी महाराज, अपनी प्रजा अपनी धरती में आके बहुत प्रसन्न हो गए हैं। ये बड़े हर्ष की बात है कि समय रहते हम सब की आंखें खुल गईं और हम सब संगठित होकर गजनवी जैसे निशंस लुटेरे भारत की भूमि से भगाने में सफल हुए, और इसका श्रेय हमारी एकता को जाता है। महाराज, यदि आपका आदेश हो तो हम मंदिर हो आए। शीघ्र चलिए, आरती आरंभ होने का समय हो रहा है। महारानी, आप चिंता ना करें, आपके बिना आरती प्रारंभ हो ही नहीं सकती। हम जानते हैं, परंतु हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम समय पर पहुंचे। महारानी, क्यों, क्या हुआ? क्षमा करें महारानी, आरती आरंभ हो गई है, परंतु परंतु क्या? हटिए, कृपा करके हटिए, हमें आरती में सम्मिलित होना है। क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में संतानहीन स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो सकती।
परंतु हर वर्ष हम इस आरती में सम्मिलित अवश्य होती थी, क्योंकि हम सब इस आशा में थे कि आज नहीं तो कल आप माँ बनेंगी। परंतु साधु महाराज के कहे गए शब्द अक्षरशः सत्य हैं। आप कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए भरूच पर विपदाएं आना आरंभ हो गईं। क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में बांझ स्त्री भाग नहीं ले सकती।